Now 2.6. A player throws a ball upward with an initial speed of 29.4 meter per second. Now A. What is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? तो normally हम लोग क्या करते हैं कि जो upward direction है उसको पॉजिटिव वाई लेते हैं, जो डाउनवर्ड है उसको नेगेटिव वाई लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते हैं कि राइट साइड पॉजिटिव एक्स लेते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स लेते हैं, राइट। अभी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, तो यहां पे बॉल जो हमने फेंका है दैट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। सो हम कह सकते हैं कि बॉल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, तो वो जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो मोमेंटरीली वो स्टेडी हो जाएगा, मतलब कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी तो वो है ही है, तो एक्सेलरेशन तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ बॉल विल बी जीरो, बट एक्सेलरेशन दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड वो होगा ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। Now choose the x equal to 0 meter and t equal to 0 second to be the location and time of the ball at its highest point. तो जो highest point है उसे अब हमें x equal to 0 और t equal to 0 टाइम लेना है, राइट। अब यहां पे हमने कोऑर्डिनेट्स बदले हैं, ध्यान में रखना। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अभी बोला है कि एक्स इक्वल टू जीरो आप यहां पे लो, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लो, मतलब कि अपवर्ड मोशन नेगेटिव कंसिडर होगी, राइट। एंड गिव द साइन ऑफ द पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सिलेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। तो अब देखो कि हाइएस्ट पॉइंट आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है, उसे एक्स इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू जीरो, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वो हमने पॉजिटिव बोला है, तो अब इसमें क्या होगा कि ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन जब बॉल ऊपर जा रहा है, यहां पे जीरो है, मानो कि जीरो, फिर 1, 2, 3, 4, 5 मीटर, अब जब आपने नीचे से फेंका वो 5 मीटर पे है, 4 मीटर पे है, 3 मीटर पे है, मतलब एवरी टाइम पोजीशन विल बी पॉजिटिव बट डायरेक्शन ऑफ मोशन वो अपवर्ड है और वो डायरेक्शन हमें नेगेटिव लेनी है, तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। नाउ एक्सेलरेशन, तो डाउनवर्ड मोशन में हम एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते थे, अभी मोशन हो गई अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है उसे हमने पॉजिटिव कंसीडर कर ली है, पहले हम उसको नेगेटिव कंसीडर करते थे, राइट। तो एक्सेलरेशन अब उल्टा हो गया, पहले नेगेटिव लेते थे तो अब उसे लेना है पॉजिटिव, और ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन पोजीशन, तो अब जब ऊपर से जीरो से नीचे आता जाएगा बॉल तो अभी 1, 2, 3, 4, 5 और वो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है तो पोजीशन पॉजिटिव हो जाएगी, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन तो वो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव बोली है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अभी डी, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड्स, टेक जी दिस मच एंड निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो फॉर अपवर्ड मोशन राइट यू दैट इज इक्वल टू -29.4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन यहां पे पॉजिटिव कंसिडर की है, जी हम पॉजिटिव लेंगे, हाइएस्ट पोजिशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो हम यूज करते हैं इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज 2 ए एस,
सपोज एस इज द डिस्टेंस कवर्ड अप टू मैक्सिमम राइज. सो वी स्क्वेयर दैट इज जीरो स्क्वेयर माइनस माइनस 29.4 स्क्वेयर 2 इंटू 9.8 इंटू एस. तो एस की वैल्यू आ जाएगी माइनस 44.1 मीटर. तो ये डिस्टेंस कवर हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट. तो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, डिस्टेंस अपवर्ड में कवर किया, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया. बॉल रीच इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन टाइम टी. तो इक्वेशन यूज करते हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो जीरो इक्वल टू माइनस 29.4 प्लस 9.8 इंटू टी. टी कैलकुलेट किया तो आंसर हो जाएगा 3 सेकेंड्स. सो एज टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने के लिए जो टाइम होगा वही टाइम तो नीचे आने के लिए होगा, सेम टू सेम. तो ऊपर जाने के लिए 3 सेकेंड, तो नीचे आने के लिए भी 3 सेकेंड. सो हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड. तो वापस प्लेयर के हाथ में आने में उसको कितना टाइम लगेगा. तो उसको 3 सेकेंड ऊपर जाने में लगे, 3 सेकेंड नीचे आने में लगे, तो टोटल टाइम हो जाएगा 6 सेकेंड. क्लियर बच्चों?